Hello kids, I'm back again with my new video of chapter 16, A Busy Month. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. Children, abhi afternoon ke 3 baj rahe hain aur sky mein koi bhi clouds nahi hai. Sun bahut tezi se burn kar raha hai. The sparrow, doves, sunbird have started working in pairs as they have to make their nest. जो स्पैरोज होते हैं, डब्स होते हैं, सनबर्ड्स होते हैं, ये लोग पेड़ में मिलके अपना घर घोंसला बनाना शुरू कर दिया है. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स ने अपने नेस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव बीन हैश. कुछ कुछ नेस्ट में उन्होंने एग्स भी दे दिए हैं. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स. और जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो बिजी है अपने छोटे छोटे चिक्स को इंसेक्ट्स और अदर लिविंग थिंग्स फीड करने में. इन आर कोर्टयार्ड ऑल्सो देर इज़ अ बेबी डब. मेरे कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डब है. दिस इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. उसके नेस्ट में एक और एग है बट अभी तक वो हैच नहीं हुआ है. ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. जब हम गोपाल भाई के हाउस जाते हैं तो रोड साइड के साइड में बहुत सारे स्टोन्स है. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग. इसी स्टोन्स के बीच में जो इंडियन रॉबिन है, या फोटो में देख रहे होंगे, ये है इंडियन रॉबिन. इसने अपने एग्स को ले किया है. बच्चू भाई शोड इट टू मी. मुझे किसने ये दिखाया? ये बच्चू भाई ने मुझे ये दिखाया. आई सॉ दैट द नेस्ट वेयर मेड ऑफ ग्रासेस. मैंने देखा कि जो नेस्ट है वो किससे बने हुए हैं? ग्रासेस से बने हुए हैं. On the top there were soft twigs, roots, wool, hairs and cotton wool. और ऊपर में cotton, कुछ soft twigs हो गए, roots हो गए, wools हो गए, hairs हो गए और cotton wools हैं, वो पूरे टॉप में रखे हुए हैं. This is how the robin makes their nest. और इस तरह कैसे इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट बनाता है. What a soft and cozy home for its chicks. ये बहुत ही ज़्यादा soft और cozy home रहता है उसके chicks के लिए. The robin is not like a crow. रॉबिन एक crow की तरह नहीं होता है. Crow nest is generally made of all kind of things. जो crow का nest होता है वो सारे kinds of things से बने होते हैं. Even a piece of wire and a wood. I saw a baby bird in the robin nest. It was sitting with its beak wide open. मैंने एक baby bird देखा robin nest के बगल में, जो अपना वहाँ बैठा हुआ था अपना beak open किए हुए. The mouth was red from inside. उनकी जो mouth थी वो पूरा अंदर से red थी. It is a little while the robin flew to the nest and put something to the chick open beak. क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि थोड़ी देर पहले ही robin beak आया था और मतलब उसने उस चिक के मुंह में कुछ खाने को दिया था. मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स. माइट बी ये छोटे कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो वो खा रहा होगा. बाय देन इट वॉज इवनिंग द रॉबिन सेटल इन टू विथ हिज चिक्स. ऐसे करके शाम हो गई, जो रॉबिन था वो अपने चिक्स के साथ सेटल डाउन हो गया. देर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाई. एक छोटी सी ट्री नियर बाई में है, पास में ही है. इट वॉज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. और वहाँ पर एक नेस्ट ब्रांच में हैंग किया हुआ है. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. द क्रो बिल्ड इट नेस्ट हाई अप द ट्री. जो क्रोज होते हैं वो ट्रीज में बहुत ऊपर में अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं. डोव मेक इट नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ कैक्टस प्लांट. और जो डोव रहते हैं वो कैक्टस प्लांट के से और मेहंदी हर्ब से अपने नेस्ट को बनाते हैं. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आर ओन हाउस. जो स्पैरोज रहते हैं वो हम अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वेयर ऑन द टॉप ऑफ अ कबर्ड. ये अपने नेस्ट कभी भी मिरर के पीछे, कबर्ड में, लेज में, कहीं पे भी बना लेते हैं. पिजन ऑल्सो मेक द नेस्ट लाइक दिस. पिजन्स भी ऐसे ही अपने घर बनाते हैं. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग. जो पिजन्स रहते हैं ये पुराने घरों में, ओल्ड बिल्डिंग्स में, डेजर्ट बिल्डिंग्स में अपने घोंसले बनाते हैं. द बाबिट और द कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल. इट मेक इट्स नेस्ट इन अ होल. ये अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं? होल्स में बनाते हैं, जो कि ट्री ट्रंक्स में होता है. एंड द टेलर बर्ड यूज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑफ अ बुशेस. और जो टेलर बर्ड्स रहते हैं ये अपने शार्प बीक यूज़ करते हैं
ताकि ये दो लीव्स को साथ में जोड़ सके और इनमें लेग मतलब एग्स ले कर सके और इन लीव्स को फोल्ड कर देते हैं, दैट वॉज मेड। और इस तरीके से ये अपने नेस्ट को बनाते हैं। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्री और अ बशेस। जो सन बर्ड होते हैं ये अपने नेस्ट बनाते हैं जैसे कि जो मतलब जो स्मॉल ट्री और बुशेस है उन पे हैंगिंग इनका नेस्ट होता है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सन बर्ड नेस्ट, उसी दिन हम लोगों ने एक सनबर्ड नेस्ट भी देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड अप ऑफ, आप गेस कर सकते हो कि इनका नेस्ट किस चीज से बना होगा। द नेस्ट हैज हेयर ग्रास थिन विंग्स ड्राई लीव्स कॉटन बिट्स ऑफ ट्री बार्क्स पीस ऑफ क्लोथ्स रैग्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स। सो इन सब की हेल्प से वो अपना नेस्ट बनाते हैं। व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर आई कुड सी स्मॉल चिक इन द नेस्ट, जब मैंने बाइनोकुलर से देखा तो वहाँ एक छोटा सा चिक बैठा हुआ था। इट वॉज सिटिंग नियर स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, इट वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड, और वो वहाँ पर वेट कर रहा था अपनी ममा का, ममा बर्ड का, ताकि वो आए और उनको कुछ खाना दे जाए। वॉट एल्स कैन इट डू जस्ट ईट एंड स्लीप, क्योंकि वो बेबी बर्ड क्या कर सकता है, वो तो जस्ट सोता है और खाता है। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग एग इन ओनली फर्स्ट स्टेप, सारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा बिजी है नेस्ट बनाने में, एग्स ले करने में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज अ यंग वन इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो लोग एक यंग वन को रेज कर सके। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़, बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं और अदर एनिमल्स भी होते हैं, क्रोज स्क्विरल्स रैट्स एंड कैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स, ये सारे वेट करते हैं कि वो दूसरे बर्ड्स के एग्स को स्टील कर सके। मैनी टाइम द इवन ब्रेक द नेस्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका नेस्ट भी तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट ऑफ एवरी बर्ड। सो ये सारे लेयर क्रॉस करना एक बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और आप देखोगे कि अभी भी जो सारे बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही हैप्पीली सिंग करते हैं, अपने विंग्स फैलाते हैं और यहाँ से वहाँ ईजिली उड़ जाते हैं। अब नाउ यू कैन सी फर्दर, बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग, बर्ड्स अपने नेस्ट सिर्फ एग्स को ले करने के लिए ही यूज़ करते हैं। आफ्टर द एग्स हैज बिन हैच द चिक्स हैव ग्रोन द नेस्ट आर लीव, जैसे ही चिक्स बड़े हो जाते हैं वो लोग नेस्ट छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैव टू लीव आवर होम एज सून एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक, कैसा होता ना अगर हमें भी अपना घर छोड़ना पड़ता जब हम बात करना और वॉक करना सीख जाते। After they leave their nest, different kind of bird live at different places. जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं और अपना नेस्ट छोड़ देते हैं तो अलग अलग बर्ड अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। अदर एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव, कुछ एनिमल्स ग्राउंड में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, कुछ वाटर्स में रहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जब एनिमल्स अलग अलग तरीके से रहते हैं। नाउ वी कैन से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ एनिमल्स, जैसे काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ जिससे वो स्नाइप कर सके ग्रासेस को, जो कैट्स रहते हैं इनके शार्प टीथ रहते हैं ताकि वो मीट टेयर कर सके, जो स्नेक रहते हैं इनके कर्व टीथ रहते हैं ताकि वो अपने प्रेस को पकड़ सके, जो स्क्विरल्स रहते हैं इनके जो फ्रंट टीथ रहते हैं ये ग्रो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, दे हैव टू कीप ग्रोनिंग ऑन दीज टू कीप द टीथ बिकमिंग टू लॉन्ग, उनको हमेशा कुछ ना कुछ ग्रोन करना पड़ता है ताकि उनके टीथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, थैंक यू।